इस वीडियो में हम समझेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट के वेव नेचर को डिफाइन करता है इस एक्सपेरिमेंट को थॉमस यंग ने 1801 में किया था साथ ही ये एक्सपेरिमेंट वेव थ्योरी का फर्स्ट एविडेंस था इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि लाइट रे में पार्टिकल नहीं बल्कि वेव नेचर होता है साथ ही ये भी पाया गया कि लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइट वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है यानी मिक्स होती है आइए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स पहले समझने होंगे जैसे वेव फ्रंट इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इन टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं मान लीजिए कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसे लाइट वेव्स एमिट हो रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऐसे लाइट सोर्स होते हैं जिनसे सिंगल कलर लाइट एमिट होती है ये लाइट वेव्स फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में एमिट होती है जनरली लाइट वेव वेव को साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन थ्री डायमेंशन में लाइट वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है इन वेव फ्रंट के सरफेस को हम वेव का क्रेस्ट मान सकते हैं यानी लाइट वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी दो स्फेरिकल वेव फ्रंट के बिटवीन एम्प्टी स्पेस को हम वेव का ट्रॉफ मान सकते हैं यानी लाइट वेव की मिनिमम इंटेंसिटी। इस एम्प्टी स्पेस यानी ट्रॉफ को हम अनदर स्फीयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइट वेव में ब्लू स्फेरिकल वेव फ्रंट को क्रेस्ट और रेड स्फेरिकल वेव फ्रंट को ट्रॉफ कंसीडर करेंगे एनिमेशन में हम देखते हैं कि जब ये स्फेरिकल वेव सोर्स से अवे मूव करती हैं, तब इन वेव्स का रेडियस इंक्रीज होता है इस लाइट वेव के सामने दो स्लिट रखे गए हैं जिनमें बहुत शार्प होल किए गए हैं जिनसे ये लाइट वेव पास हो सके जब ये लाइट वेव्स स्लिट्स पे इंसिडेंट होती है तब स्लिट्स से दो न्यू लाइट सोर्स क्रिएट होती है जिनसे न्यू लाइट वेव्स जनरेट होती है ये लाइट वेव्स सामने रखी स्क्रीन पे इंसिडेंट होती है और कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती है इस लाइट पैटर्न को हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं इस पैटर्न में कहीं पे डार्क और कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं इसका मतलब लाइट वेव की इंटेंसिटी डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट है आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है एनिमेशन में हम देखते हैं कि दोनों सोर्स से स्फेरिकल वेव एमिट हो रही है जिसमें एक क्रेस्ट है और एक ट्रॉफ जब स्क्रीन पे एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज होता है तब दोनों वेव मिक्स होकर एक न्यू वेव बनाते हैं, जो कि दोनों वेव के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेंस होती है, है। और इसी कारण स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज बनती है। वही दूसरी और जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रॉफ के साथ सुपर इम्पोज होता है तब लाइट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है जिसके कारण स्क्रीन पे डार्क फ्रिंज बनते हैं Here is complete interference pattern of Young's double slit experiment. Thanks for watching. If you liked our video, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में